वेलकम टू टुडेज क्लास. टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक गोनेडोट्रोपिन्स. गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स. ओके, सो गोनेडोट्रोपिन्स, देर आर टू गोनेडोट्रोपिन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, एंड अनदर इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. LH. These two hormones are called gonadotropins or gonadotropic hormones. These two hormones are secreted by anterior lobe of pituitary or anterior pituitary. These two hormones are secreted by anterior lobe of pituitary, and these two hormones are called gonadotropins because these two hormones stimulate the growth and functioning of gonads. Growth and functioning of gonads. These two hormones are responsible for growth, development and functioning of gonads, and hence these two hormones, that is FSH and LH, are called gonadotropin hormones or gonadotropins. In male, testes are male gonad, and ovaries in female are female gonad. Formation of or production of sperm, that is male gametes, is the function of testes, and production of ova or egg means female gamete is the function of ovary. So testes and ovaries, these two organs are gonads. Testes in males and ovaries in females. So let us discuss these two hormones, that is gonadotropins or gonadotropic hormones. Gonadotropins secreted by anterior pituitary. These hormones are called gonadotropins because they are responsible for growth, development and functions of gonads. And gonads are the organs which are responsible for production of gametes. Male gonad is called testes and female gonad is called ovaries. Okay, so let us discuss first follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. FSH. Follicle stimulating hormone. FSH. This hormone is actually follicle stimulating hormone. It is chemically glycoprotein. It is chemically glycoprotein. This hormone is glycoproteinous in nature, and this hormone is made up of 204 molecules of amino acids. Chemically, these hormones, that is FSH hormone and LH, both hormones are glycoprotein in nature. So FSH hormone is glycoprotein in nature, and polypeptide of FSH is made up of 204 amino acids. FSH hormone glycoprotein से बना हुआ है. इसका जो polypeptide है, polypeptide कितने molecule से बनता है? एक molecule, मतलब इसका जो polypeptide है कितने amino acid से बनता है? 204 अमीनो एसिड से बनता है. समझ में आया आपको?
देखिए जी एन आर एच, जी एन आर एच मतलब ग्रोथ हार्मोन, सॉरी ग्रोथ लिखा मैंने गलती से, गोनेडोट्रोपिन ना, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए ये हाइपोथैलेमस है, दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या है, पिट्यूटरी, सो दिस इज पिट्यूटरी, ओके पिट्यूटरी। तो ये दिस इज एंटीरियर लोब एंड दिस इज पोस्टेरियर लोब। एंटीरियर लोब इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय मीन्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम। व्हेन दिस जी एन आर एच दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस, दिस जी एन आर एच एंटर इन टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, सो दिस इज पार्स डिस्टलिस, सो दिस इज पार्स डिस्टलिस, ओके। सो जी एन आर एच दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। व्हेन दिस जी एन आर एच दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटर इन टू द एंटीरियर पिट्यूटरी विच पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी पार्स डिस्टलिस, देन दिस जी एन आर एच स्टिमुलेट, जी एन आर एच स्टिमुलेट्स पार्स डिस्टलिस एंड देन पार्स डिस्टलिस विल रिलीज एफ एस एच हार्मोन, ओके। देखो जब ये पिट्यूटरी का, पिट्यूटरी के ऊपर जो पार्ट है फोरब्रेन का डायन्सेफेलन का, दैट इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जी एन आर एच दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है पार्स डिस्टलिस को, ये जी एन आर एच हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये जी एन आर एच पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब में कैसे आएगा, तो हमें पता है कि ये जो एंटीरियर लोब है हाइपोथैलेमस को कनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम, ये ब्लड वेसल्स के द्वारा कनेक्ट है हाइपोथैलेमस को एंटीरियर लोब, तो उसी ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये जी एन आर एच हाइपोथैलेमस से कहाँ आएगा, पार्स डिस्टलिस में आएगा। पार्स डिस्टलिस में जो एफ एस एच हार्मोन को रिलीज करने वाले सेल्स है, उस सेल्स को ये जी एन आर एच क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा। इसके बाद जो पार्स डिस्टलिस के जो एफ एस एच पार्स डिस्टलिस के जो सेल्स है, सिक्रेटरी सेल्स है, एंडोक्राइन सेल्स है, दैट एंडोक्राइन सेल्स दैट इज गोनेडोट्रोपिन सेल्स विल सिक्रेट हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेम मैकेनिज्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए भी है, लेकिन हम यही मैकेनिज्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में फिर दोहराएंगे। अब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एफ एस एच का सिक्रेशन होता कैसे है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी, इस पिट्यूटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। व्हेन हाइपोथैलेमस रिलीज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दिस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटर इन टू द एंटेरियर पिट्यूटरी एंड इट स्टिमुलेट्स दिस जी एन आर एच स्टिमुलेट्स एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द पार्स डिस्टलिस एंड देन आफ्टर स्टिमुलेशन आफ्टर गेटिंग द सिग्नल फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन सेल्स इन द पार्स डिस्टलिस स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ एफ एस एच दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एनी डिफिकल्टी, बट देर इज नो जी एन आई एच, जी एन आर एच तो है एफ एस एच के सिक्रीशन को स्टार्ट करने के लिए, एफ एस एच के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने के लिए, लेकिन गोनेडोट्रोपिन इनिबिटिंग हार्मोन, ये ऐसा हार्मोन हाइपोथैलेमस के पास नहीं है। तो हाइपोथैलेमस ये एफ एस एच हार्मोन को रिलीज तो कर सकता है, लेकिन इसका जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन स्टॉप करने के लिए
GNIH गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसा कोई हार्मोन हाइपोथैलामस से रिलीज नहीं होता है। इतना समझ में आया? तो इसके बाद का पॉइंट होगा हमारा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ FSH, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, इतना समझ में आया आपको पूरा फंक्शन ऑफ FSH? FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जो फंक्शन है मेल एंड फीमेल में इसका फंक्शन अलग अलग है। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये कब सीक्रेट होते हैं? सीक्रेट होते हैं एट द एज ऑफ 14, एट द एज ऑफ 12 टू 14 ईयर्स, मतलब सम ईयर बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के कुछ साल पहले ही ये हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होना, सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है 12 ईयर्स से 14 ईयर्स के एज में ये इसका सीक्रेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया बेटा? तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का जो रोल है, दैट इज़ FSH का जो रोल है इन केस ऑफ मेल, सबसे पहले हम यही स्टडी करेंगे मेल में। रोल ऑफ FSH, रोल ऑफ FSH इन मेल, रोल ऑफ FSH इन मेल। मेल गोनेड को क्या बोला जाता है? टेस्टीज, समझ लीजिए टेस्टीज है। टेस्टीज के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसी टेस्टीज के अंदर ये सेल्स है, कॉलुमनर सेल्स है, टॉल सेल्स, दैट इज सर्टोली सेल्स और नर्व सेल। समझ में आया? सर्टोली सेल्स और सर्टोली सेल्स के बीच में ये स्पेस दिख रही है आपको, तो ये स्पेस में, ये जो स्पेस है यहाँ पर होती है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। कौन सी सेल्स होती है? स्पर्मेटोजेनिक सेल। टेस्टिस में ये जो ड्रॉ किया है मैंने, दिस इज सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, दिस स्ट्रक्चर इज सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस में सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में होंगे। समझ में आया बेटा? तो FSH का काम क्या है? FSH कहाँ से सीक्रेट हुआ है? FSH सीक्रेट हुआ है, आप देखिए एंटीरियर पिच्यूटरी से। देखिए ये पिच्यूटरी यहाँ ड्रॉ कर देते हैं हम, दिस इज़ एंटीरियर लोब ऑफ पिच्यूटरी। तो यहाँ से एंटीरियर लोब ऑफ पिच्यूटरी से सीक्रेट हुआ है FSH एट द एज ऑफ 12 to 14। फिर ये जो FSH है इसका मेल में क्या रोल है? हम तो मेल में टेस्टिस के अंदर जो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उस सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स का, इस सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स का ग्रोथ, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो व्हाट इज द रोल ऑफ FSH इन मेल? FSH प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स इन मेल। FSH स्टिमुलेट्स और FSH प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स इन मेल, दैट इज द वन फंक्शन ऑफ FSH इन मेल। अनदर फंक्शन, इट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या है? स्पर्म्स मीन्स मेल गैमेट्स। तो जब FSH रिलीज होगा पिच्यूटरी से, FSH हार्मोन सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट करेगा ये हार्मोन। इसके साथ साथ FSH इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, FSH स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, FSH स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देखिए जो जर्मिनल, ये जो मैंने सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल को लाइंड, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग ड्रॉ की है ना बेटा, तो ये एक एपिथेलियम है, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम के सेल से ही स्पर्म्स बनेंगे, लेकिन उसकी स्टेजेस होती है। जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स में ही मियोसिस होगा, उससे स्पर्म बनेंगे। तो पहली स्टेज होती है स्पर्मेटोगोनिया,
सबसे पहले क्या बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, अब हमें तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पढ़ना है, ये तो हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में ही स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तब इसको डिस्कस करना पड़ेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। अब हमें FSH का रोल इसके अंदर देखना है, तो भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम इज सिंगुलर नंबर, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल नंबर। स्पर्मेटोगोनिया के बाद की जो स्टेज है दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सो दीज आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो स्टेज आएगी दैट इज यस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आपको याद भी है ये सब, स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फॉर्म हो गए ये स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स मतलब इमैच्योर स्पर्म्स, स्पर्मेटिड्स। ओके, और स्पर्मेटिड का कन्वर्शन होगा स्पर्म्स में। कन्वर्शन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल है उसमें मियोसिस होगा। इसमें मियोसिस होने के बाद देखिए कैसे स्टेजेस बनेंगी, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। फिर ये जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड मतलब इमैच्योर स्पर्म, इसी स्पर्मेटिड का कन्वर्शन किस में होगा, स्पर्म में। सो दीज आर स्पर्म्स। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट स्पर्मेटोजेनेसिस का, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH इन मेल, FSH इन मेल, FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। वेयर दिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर लोकेटेड, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट इन द टेस्टिस। टेस्टिस इज मेड अप ऑफ न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स एंड इन ईच सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। These long, tall cells are called Sertoli cells or nurse cells, and the cells which are present between these tall cells are spermatogenic cells. Spermatogenic cells means various stages of cells in the production of sperm. So, FSH stimulate the process of spermatogenesis, that is the formation of sperm in case of male. Okay, so in this way role of FSH in male is over. Now role of FSH in female. In female, gonad is ovary. Female gonad is ovary. This is ovary. Any difficulty, beta? In the role of FSH in male? This ovary is also lined by? Yes, germinal. So, this is germinal epithelium. I am simply drawing it. Germinal epithelium. And in this ovary, within the ovary, ovarian follicles are present. In the ovary, ovarian follicles are present. Ovarian follicles are immature follicle, that is primary follicle. There are various stages of immature follicle, primary follicle, then secondary follicle में early secondary follicle, इसके बाद है लेट सेकेंडरी फॉलिकल, इसके बाद है ग्रोइंग फॉलिकल एंड लास्ट स्टेज जो आती है मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन
फॉलिकल। देखिए ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है, ओवरियन फॉलिकल्स है ना, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, ये प्रीमॉर्डियल फॉलिकल है, ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज लेट प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल एंड दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। ये अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, लेट प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल, ये तीनों भी ग्रोइंग फॉलिकल्स है, तीनों भी क्या है, ये ग्रोइंग फॉलिकल्स। ये जो है प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, दिस इज इमैच्योर फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल, इट इज मैच्योर फॉलिकल, दिस इज मैच्योर फॉलिकल। अब हमें देखना है व्हाट इज द रोल ऑफ FSH इन फीमेल। FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट इमैच्योर फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट इमैच्योर फॉलिकल एंड कन्वर्ट इमैच्योर फॉलिकल इंटू मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। हेंस इट इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वाई इट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? बिकॉज इन केस ऑफ फीमेल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स ओवरियन फॉलिकल्स, इट कन्वर्ट इमैच्योर फॉलिकल इंटू मैच्योर फॉलिकल। सो फर्स्ट फंक्शन FSH स्टिमुलेट इमैच्योर ओवरियन फॉलिकल एंड कन्वर्ट इट इंटू मैच्योर फॉलिकल। ओके, दिस इज द फर्स्ट रोल ऑफ FSH इन फीमेल। बट अनादर रोल ऑफ FSH इन फीमेल इज FSH हार्मोन स्टिमुलेट्स ओवरियन फॉलिकल, स्टिमुलेट ओवरियन फॉलिकल्स टू सिक्रीट हार्मोन एस्ट्रोजन। ओके, हार्मोन एस्ट्रोजन, दिस इज द अनदर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ FSH इन फीमेल। सी द फर्स्ट रोल ऑफ FSH इन मेल, FSH stimulates ovarian follicle and hence name as follicle stimulating hormone. Ovarian follicles, these are present in the ovary, ovarian follicles, and inside the ovarian follicle developing egg is present. Okay, follicle के अंदर ये जो stage हमें दिख रही है ओसाइट है ना, ये ओहम है। तो ये follicle के अंदर होता है female gamete, developing female gamete, समझ में आया? तो फॉलिकल इस ओवरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा FSH हार्मोन, इमैच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट करता है FSH हार्मोन। इसके साथ साथ FSH हार्मोन ओवरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है किसके लिए? फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ FSH इन मेल and this is the role of FSH in female. So we have discussed both roles of FSH, that is in case of male and in case of female. Another hormone or another gonadotropin is luteinizing hormone, LH. LH hormone, luteinizing hormone. LH
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी, ओके, विच इज लाइंड बाय, यस, विच इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम. ओके, ओवरी इज फीमेल गोनेड, इट इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम. सो वी आर डिस्कसिंग रोल ऑफ LH इन फीमेल, रोल ऑफ LH इन फीमेल, एंड देन वी विल डिस्कस रोल ऑफ LH इन मेल. फर्स्ट वी विल डिस्कस रोल ऑफ LH इन फीमेल. लिसन हियर, सो दिस इज FSH, ओके, एंड दिस इज GnRH. GnRH इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस. GnRH स्टिमुलेट्स पिच्यूटरी, एंटीरियर पिच्यूटरी, देन एंटीरियर पिच्यूटरी विल सीक्रेट्स FSH. देन FSH स्टिमुलेट्स, यस, दिस प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, दैट इज इमैच्योर फॉलिकल. एनी डिफिकल्टी? देन इमैच्योर फॉलिकल कन्वर्ट इंटू मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल. दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, ओके. So, between immature follicle and graafian follicle, there are growing follicles. These are growing follicles, okay?